नवतु सह नौभुन तो सह वी कर्वा वह तेजस्वी नवधीतमस्त मिषाई शाति 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 वेदो अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और वेदों में मन का स्वरूप इस विषय पर निरंतरता से हम चर्चा कर रहे हैं सामवेद जो उपासना प्रधान वेद है उपासना हमारे जीवन को इस संसार की वासना से बचाती है हम अपने गुणकर्म स्वभाव से पवित्र हों और सच्चे साधक बने सच्चे साधक बन करके ही हम इस जीवन और जगत का कल्याण कर सकते हैं सच्चे ईश भक्त बने ईश्वर के उपासक बने तो जीवन हमारा अत्यंत महनीय हो जाएगा किसी भी प्रकार से हम कहीं भी अपने जीवन को इधर उधर अर्थात जो संसार में अनुपयोगी हैं या ये कहें कि जो हमारे आ, समय को नष्ट करने वाले जो अनप्रोडक्टिव वर्क हैं उनसे बड़ी क्षति हो जाती है अनुपयोगी जिनका जीवन में कोई उपयोग नहीं है ऐसे कार्यों में व्यक्ति को फंस करके केवल पश्चाताप जो है मिलता है और कुछ नहीं मिलता है हम कभी भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिसमें पश्चाताप हो हाँ बिना किसी जो है योजना के यदि कोई हमारे आ, से त्रुटि हो गई है भूल हो गई है तो भूल तो स्वाभाविक है कर्म करेंगे जो बच्चा जब चलता है तो गिरता है संभलता है फिर चलता है गिरता है तो वो जो चलना गिरना है यदि वो डरने लगे कि नहीं गिरना नहीं है तो फिर वो चल नहीं पाएगा संसार में हमको उन्नति चाहिए तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा चलना पड़ेगा लेकिन अपने इस जीवन को हम वेदोक्त कर्मों में लगा करके रखें हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम स्थित प्रज्ञ होंगे अपने जीवन की सफलता के लिए हमारे मन में उत्साह हो उमंग हो और कभी भी हम जो है संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति ना बने हम जो है विशाल हृदय के धनी बने और अपने मन पर अपनी बुद्धि पर अपने इंद्रियों पर हमारा पूरा नियंत्रण हो हम जो है सिद्ध मन वाले बने मनस्वी बने तेजस्वी बने क्योंकि साधक का यही गुण है कि संसार की परिस्थितियों में संसार के अलग अलग कभी छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं कभी किसी ने कुछ कह दिया तो अपने को अपमान महसूस हो गया अरे इसने हमको ये कह दिया ये कैसे कह दिया तो इसी में लोगों का बीपी हाई होता रहता है अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं लेकिन जो स्थित प्रज्ज होते हैं जिनका मन शांत है मनस्वी हैं वो दूसरों की बात का बुरा नहीं मानते और शांत सागर की तरह जो शांत धीर वीर गंभीर होते हैं साधक का ये गुण है हम साधक बने सुधारक नहीं साधक बने सच्चे उपासक बने ईश्वर के और इसमें कठिनाइयाँ बहुत हैं कठिनाइयाँ हैं मुसीबतें हैं समस्याएं हैं, समाधान भी है साधना की राह पर चलना कठिन साधना की राह पर चलना कठिन रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन साधना की राह पर चलना कठिन रास्ते में आग है तू फान की जल गया वह जिसने है पहचान की चलने वाले देखना अपना चलन साधना की राह पर चलना कठिन साधना की राह पर चलना कठिन साधना की राह पे रुकना छोड़ दे साधना की राह पे रुकना छोड़ दे जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे जो तुझे रोके वो बंधन तोड़ दे टूटे ना विश्वास छोटे ना लगन साधना की राह पर चलना कठिन साधना की राह पर चलना कठिन तो साधना की राह पर चलना तो कठिन है लेकिन यदि मंजिल पाना है तो चलना पड़ेगा कोई ऐसा जो है उपाय नहीं कोई शॉर्टकट जो है ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि बस हम जो है छलांग लगाएं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं साधक को साध्य तक पहुंचना है साधन का सदुपयोग करना है चलना पड़ेगा तो कैसे चलेंगे स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर वेद मंत्र है सामवेद के पूर्वार्चिक तृतीय प्रपाठक का दसवां मंत्र आपके समक्ष रख रहा हूं मैं ओम एवा हैसी एवा ह्यसी

कदाह एवा ते राध्यम मनहा पूर्वार्चिक का तृतीय प्रपाठक दसवा मंत्र है ओ एसिवीरयूरेवा शूर उत स्थिरः एवा मनहा ओम ओवा हसी वीरय शूरा उ एवा तेराध्यम मनहा बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है यह तेरी सफलता है जो स्थित प्रज्ञ हैं उनके विषय में बात कही है कि प्रभु जीव से कहते हैं कि यदि तू सोम पान करता है अर्थात अपने संयत इंद्रिय हो करके, अपने मन को अपने तन को यदि स्वस्थ बना करके अपनी ब्रह्मचर्य की शक्ति को सुदृढ़ करके इस सोम का पान करता है सोम का सेवन करता है अर्थात जो अपने ब्रह्मचर्य काल में अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करके रहता है वह शक्तिशाली बनता है पूरे जीवन को चार भागों में विभक्त किया है हमारे ऋषियों ने ब्रह्मचर्य काल गृहस्थ काल वानप्रस्थ काल और संन्यास काल इनको आश्रम के रूप में भी जो हम कहते हैं ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम और आश्रम तो जो ब्रह्मचर्य का काल होता है ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है उसमें अपने इंद्रियों पर अपने मन पर अपने संपूर्ण अस्तित्व पर जो नियंत्रण करता है वह शरीर से भी मन से भी बुद्धि से भी हर प्रकार से बलशाली हो जाता है लेकिन जो युवा और युवतियाँ ब्रह्मचर्य काल में गलत स्वभाव में गलत संस्कारों में फंस जाते हैं जो अपने शरीर का अपने मन का अपने इंद्रियों का नियमन नहीं कर पाते हैं वे जीवन भर रोगी रहते हैं उनका मन भी कमजोर होता है शरीर भी कमजोर होता है वो दुर्बल निर्बल बन कर के अपने जीवन को असफल करते हैं लेकिन जो ब्रह्मचर्य काल में ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जन के समय गुरु गृह में गुरुकुल में अंतेवासी के रूप में तपस्वी बन करके अपने शरीर को भी पुष्ट रखते हैं प्राण शक्ति के साथ अपनी इंद्रियों पर मन पर नियमन करते हुए नियंत्रण करते हुए ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करते हैं वे सौ वर्ष से भी अधिक पूर्ण स्वस्थ रह करके जीते हैं तो यहाँ यही बात कह रहे हैं प्रभु कि यदि तू सोमपान करता है और सोम पान करके शक्तिशाली बनता है मन में सौम्यता को धारण करता है क्योंकि मन तभी प्रसन्न रह सकता है जब व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो उसका आहार उसका विचार उसका वाणी व्यवहार उसका सुसंस्कार जब वेदोक्त होता है वेदानुकूल शास्त्र अनुकूल होता है तो निसंदेह वह आत्मकल्याण से विश्व कल्याण का पुरोधा बन जाता है वह अपना तो उत्कर्ष करता ही करता है अपने घर परिवार समाज राष्ट्र और इस सारे संस्कार को उपकृत करता है उसको उपकार से सत्कार से सदाचार सदव्यवहार से उन्नत बनाता है लेकिन जो अपने मन को भी नहीं संभाल पाता मन इधर उधर जिसका भटकता रहता है अपने स्वकर्म को नहीं करता अध्ययन के समय अध्ययन में मन नहीं लगता फिर गृहस्थ काल में जाता है गृहस्थी में मन नहीं लगता फिर वानप्रस्थ में जब तप करना है तो तप में मन नहीं लगता फिर सन्यास की बात क्या करेंगे हम इसलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा कि प्रथमे न अर्जिता विद्या द्वितीय न अर्जितम पुण्यम तृतीय न अर्जितम धनम चतुर्थे किम करिष्यति ये जो संसार का नियम है इस नियम को हम यदि संयमन के साथ जीते हैं तो उसका जो है सदा जो है जो आत्मरति है जो संसार में रत नहीं है संसार में होते हुए भी, भी इसमें जो व्यस्त मस्त और आत्मस्थ होकर के जीवन को जीता है इसमें फंसता नहीं है वही जीतात्मा हो जाता है तो प्रथमे न अर्जिता विद्या द्वितीय न अर्जितम धनम तृतीय न अर्जित पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति तो ये जो जीवन है इस जीवन को हम समझें और जैसा वेद मंत्र में कहा है कि मन में सौम्यता को धारण करता है सौम्य सौ मनस्य से युक्त हो मन में छल कपट ना हो मन में उद्विग्नता ना हो हर समर्ष ना हो सुख दुख आएंगे लाभ हानि जय पराजय संसार में ये एक सिक्के के दो पहलू हैं ये आएंगे लेकिन इनमें जो विचलित नहीं होता है वास्तव में वही सूरमा है आगे कहा कि सौम्यता को धारण करता है और मस्तिष्क में जान को भरता है तथा इस प्रकार व्यक्तिक उन्नति करके लोक संग्रह के लिए लोगों में उत्साह भरता है जो स्वयं उत्साह से परिपूर्ण है वो दूसरों को उत्साह देगा और जो स्वयं मरासा है स्वयं जीर्ण शीर्ण स्थिति में स्वयं बिल्कुल बेचारा है कोई जिसके चारा ही नहीं है कोई उपाय नहीं है जो बेसहारा है बेचारा है वो दूसरों का सहारा कैसे बन सकता है जो स्वयं अपना रक्षक है वही संसार का रक्षक हो सकता है तो इस प्रकार से तो कहा कि वह लोक संग्रह लोक की सेवा लोक के उत्तरदायित्वों का लोक के संबंधों का जो निर्वहन निर्लेप भाव से करता है और उसको देख करके ही उसका दर्शन मात्र से ही लोगों के अंदर बिजली चमक जाती है उत्साह आ जाता ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति अपना और संसार का उद्धार करेगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा मन को अच्छा बनाएगा तथा कहा कि ए ही निश्चय से तू वीरयु असी वीरता के साथ मेल वाला है अर्थात वीर है एवं शूरा इसी प्रकार तू बुराइयों का संघार करने वाला है बुराइयों को भी जो है हटाने वाला है उत और स्थिर स्थिर मनोवृत्ति वाला है अर्थात स्थित प्रज्ञ है तथा एवं इसी प्रकार ते तेरा